चलिए भाई, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। पिछली क्लास के अंदर हमने डीपीपी की बात चल रही थी, तो डीपीपी डिस्कशंस जो है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। और अगला जो सवाल था इसके अंदर डीपीपी नंबर 10th, सॉरी डीपीपी नंबर आपकी चल रही है 14th, और 14th के अंदर हम पहुंच गए थे S309 N205। N25 का स्ट्रक्चर मैं ऑलरेडी बता चुका था 11th, S2O7-2 का स्ट्रक्चर ऑलरेडी बता चुका हूँ, N2F4 का बनाइए। चलिए N2F4 की बात करें अगर अपन, तो यहाँ पर आपका सेंट्रल एटम कितना है? 2। सराउंडिंग एटम क्या है? E1 नंबर में। ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज में आ रही है, तो लिंकेज NN बनेगी। ये लोन पेयर हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही बनाने, क्योंकि लोन पेयर आपस में एक दूसरे को रिपल करते हैं, इसलिए हमेशा अपोजिट आएंगे। अगला आएगा N2O3। चलिए बताइए, सेंट्रल एटम मोर देन 2, सराउंडिंग एटम शुड बी इक्वल टू, रगड़ देने तो साइक्लिक नहीं बनेगा क्योंकि ये तो ज्यादा है, और ये सेंट्रल एटम 2 है तो साइक्लिक बन ही नहीं सकता। ऑड नंबर में की इवन, इवन नंबर में। इसमें एक खास बात हो रही है, इसका एक स्ट्रक्चर और पाया जाता है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। एक थ्योरी होती है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, उससे हमेशा बॉन्ड निकाला जाता है कि किस किस के बीच में है। तो ग्राफ होता है, उस ग्राफ में पीक पर जब आ जाता है, मतलब पीक्स आते हैं, आपके काम की बात नहीं है, उस पीक से पता चलता है कि ये वाले पीक पर भी आ रहा है फ्रीक्वेंसी और ये वाले पीक पर भी आ रहा है, तो इसकी दोनों स्ट्रक्चर बोली जाती है। इसको बोलते हैं हम सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर और इसको बोलते हैं हम अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। तो ये N2O3 की दो स्ट्रक्चर्स पाई जाएंगे, ठीक है। अगला SiO2। सिलिकन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाता, तो वो अपनी कोवेलेंसी को सेटिस्फाई करता ऑक्सीजन के साथ 3D नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना के ऐसे। तो SiO2 का जो स्ट्रक्चर होगा वो ऐसा कभी नहीं होगा कि आप देखो ऐसा बना दो। सिलिकन का लार्ज साइज होता है, ड्यू टू लार्ज साइज सिलिकन जो होगा वो कभी भी पाई बॉन्ड नहीं मिलाएगा विद ऑक्सीजन के साथ, इसलिए कभी भी सिलिकन इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं बनाता है। वो अपनी कोवेलेंसी को सेटिस्फाई करता है किससे? सिंगल बॉन्ड के साथ पाई बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड के साथ पाई बॉन्ड को छोड़ के। तो आप देखो सिलिकन जो है वो कितने ऑक्सीजन से घिरा हुआ है, तो यहाँ पर सवाल पूछता है कि एक सिलिकन जो है वो 4 ऑक्सीजन से घिरा हुआ है, और एक ऑक्सीजन कितने सिलिकन से गिरा हुआ है बताओ? तो एक ऑक्सीजन 2 सिलिकन से गिरा हुआ है, ठीक है। इसको कहते हैं जाइंट मॉलिक्यूल, ऐसा नहीं लगता विशाल काय स्ट्रक्चर है। तो सवाल आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड हैज जाइंट स्ट्रक्चर, तो आप टिक कर देना सीधा SiO2। ये 3D है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, नॉन प्लेनर है, ठीक है, 3D नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, हार्ड है। अच्छा, SiO2 को ये अपन सैंड कहते हैं, और ये सैंड ही ग्लास में पाई जाती है, जो ग्लास होता है ना, ग्लास कांच के अंदर ये पाई जाती है। ग्लास मतलब पानी पीने वाला ग्लास नहीं, कांच को कहते हैं ग्लास। अब एक सवाल पूछेगा कि CO2 इज गैस वाइल SiO2 इज सॉलिड, क्या बोला जल्दी बताओ? CO2 इज गैस वाइल SiO2 इज सॉलिड, एक्सप्लेन वाई। इसका रीजन सिंपल ये कि जो CO2 होगा वो आपका डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड बना सकता है। क्या बोला जल्दी बताओ? कार्बन जो होगा वो ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड बना सकता है,
तो ये कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड बना लिया, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड बना लिया, इसलिए आपके इस तरह से मॉलिक्यूल में स्टेबल हो जाएगा, और मॉलिक्यूल में ये स्टेबल हो गया तो अब ये इस तरह से स्ट्रक्चर तो बना नहीं पाएगा। इसलिए ये जो है वो जनरली कैसा हो जाता है, गैस, क्योंकि इसमें अट्रैक्शन जो है वो आपस में मॉलिक्यूल्स के बीच में नहीं आ रहा, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में हम अगले साल पढ़ेंगे, LDF पाया जाता है, लंदन डिस्पर्जन फोर्स, जो कि वीक अट्रैक्शन का फोर्स होता है। वीक अट्रैक्शन का फोर्स होगा CO2 CO2 मॉलिक्यूल में, एक और मॉलिक्यूल देखोगे आप, लेकिन SiO2 के अंदर तो ऐसा स्ट्रक्चर होगा नहीं, डायरेक्ट वो तो ऐसा स्ट्रक्चर बना लेगा, ये 3D नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, ये तो डायरेक्ट कैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, 3D नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, तो ये आपका 3D नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, इसलिए कैसा होता है, सॉलिड। ठीक है, अगला देखो, HClO4 का मैं बता चुका था, कैल्शियम साइनामाइड, कैल्शियम साइनामाइड जो होता है उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आयनिक कंपाउंड ही हटाओ, इसका हटाओगे तो यहां पर आएगा CN-2, सेंट्रल एटम तो कार्बन हो गया, नेगेटिव चार्ज, मोल इलेक्ट्रो नेगेटिव लेगा ये, अब ये नाइट्रोजन ने जब नेगेटिव चार्ज ले लिया तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन एक नेगेटिव आ गया तो कितने बनाएगा, सिर्फ 2, ये 2 बॉन्ड बना लिया, तो स्ट्रक्चर बन गया इसका। ठीक है, आप चाहो तो इसमें रेजोनेंस भी हो सकता है, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ये रहेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो है वो अपोजिट एंड पर है, हमने कहा था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मोस्ट स्टेबल वो होती है जिसमें, बोलो, जिसमें सेम चार्ज यानी कि लाइक चार्ज दूर दूर हो, तो ये स्ट्रक्चर भी आ गया आपका कंप्लीट। CuSO4.5H2O, इसको एक्चुअली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये, तो इसलिए इसको ऐसे लिखा जाता है, इसका एक खास नाम होता है ब्लू विट्रियोल। इसका एक खास नाम क्या होता है, ब्लू विट्रियोल, CuH2O4SO4.H2O को क्या कहते हैं, ब्लू विट्रियोल। इसका स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं, आपको नहीं बनाना आएगा, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आता है, ये कहां आता है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, और ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ऐसे स्ट्रक्चर जब बनेगा, आपको स्ट्रक्चर ये याद रखना पड़ेगा अभी के लिए, क्योंकि 12th में तो आ जाएगा ये, जब सवाल पूछे जाते हैं मैं बताऊंगा कैसे कैसे। पहला सवाल वो बोलेगा कि इसके अंदर जो है बताओ कौन कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, तो देखो पहला बॉन्ड आयनिक तो होगा ही होगा, क्योंकि ये आपका ये कैटायन है और ये एनायन है, तो इन दोनों के बीच में आपका क्या बन गया, आयनिक, ये एक कैटायन है वो एक एनायन है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बना, ये आयनिक। दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड तो है ही सही, ये आपस में कोवेलेंट बॉन्ड रहे तो कोवेलेंट बॉन्ड भी है। तीसरा कोऑर्डिनेट तो है ही सही। चौथा हाइड्रोजन बॉन्ड है कि नहीं देख के बताओ,
यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होगा नहीं होगा, ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, ये रहा हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड भी आ गया। अब आपसे सवाल क्या पूछ रहा है, ये आंसर सुना, इसका हीटिंग इफेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये हीटिंग इफेक्ट भी आपको याद रखना पड़ेगा अभी के लिए, ये बाद में अपने आप समझ में आता है कि जब हम CuSO4.5H2O को हीट करेंगे तो सबसे पहले इसमें दो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, और दो वाटर मॉलिक्यूल जो बाहर निकलेंगे वो होंगे CuSO4.3H2O, फिर और हीट करेंगे तो फिर दो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे CuSO4.H2O, फिर और वाटर बाहर निकलेंगे तो यहां से पानी बाहर निकलेगा, ये बनेगा CuSO4, ये हीट करेंगे और ज्यादा तो CuO+SO3 में चला जाएगा, ये उड़ जाएगा। तो आपसे पूछेगा जब इसको हीट किया जा रहा है तो सबसे पहले कौन से वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे, तो आप इस तरह से याद रखना सीक्वेंस में, वन जो पहले दो थे वो पहले वाले दो, जो दूसरे दो वाले थे वो दूसरे वाले दो, और जो तीसरा था वो तीसरा वाला दो, तो पहले वाले दो निकले ये फर्स्ट में थे, जो ऐसे याद रखना जो पहले दो निकलते हैं कौन से, वन वाले दो, फिर ये वाले, फिर वो वाले, बस, ठीक है। एनहाइड्रस, अगर पानी निकलने के बाद जो बचता है एनहाइड्रस, वो आपका ब्लू नहीं होता है, ये ब्लू कलर का कंपाउंड है, ब्लू विट्रियोल भी नाम है और कंपाउंड का कलर भी ब्लू है, लेकिन ये अगर एनहाइड्रस है तो फिर ये वाइट हो जाता है, तो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट क्या होता है, वाइट। ये सब हम आगे पढ़ेंगे, अभी मैंने सिर्फ लिख दिया इन्फॉर्मेशन के लिए ताकि आप अभी याद कर लो और जब वहां पर हम पढ़े तो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये कॉपर सल्फेट भी हो गया, P4S10 मैंने पहले ही बता दिया था, 20 RbIO2 का स्ट्रक्चर बनाना है। सबसे पहले आप इसको क्या करो, आयनिक कंपाउंड अलग अलग करो, फिर मैंने आपको सिखाया था कि जब भी आयंस हो तो आयंस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, ये एसिड का आयन है, देखो H जोड़ो इसमें, ये HIO2 बनेगा, बेसिसिटी 1 है तो 1 OH है, ऑक्सीजन के 2 तो एक और जुड़ गया, ये लोन पेयर, ये लो, अब यहाँ से यह छट जाएगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा और ये प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी आयनिक कंपाउंड का बनाना है तो इस तरह से ही बनाएंगे आप, ठीक है। अगला CsH2PO2, देखो CS कैल्शियम है, सॉरी सीजियम, CgmH2PO2, इसका नाम क्या होगा, सीजियम, इसका नाम बोलो, सीजियम बोलो, सीजियम हाइपोफॉस्फाइट, क्योंकि ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड होगा, देखो ये प्लस, ये आपका H2PO2 माइनस, ऑक्सी एसिड पर एप्लीकेबल नहीं, ऑक्सी एनायन पर एप्लीकेबल नहीं होती है, इसलिए हमने इसमें एच ऐड किया, एच ऐड किया तो H3PO2 बना, H3PO2 आप सबको पता है क्या होता है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, बेसिसिटी 1 होती है इसकी, तो एक ही OH आएगा यहाँ पे, ये फिर H आएगा, फिर ये H आएगा और ये डबल बॉन्ड O आएगा, एक माइनस है तो माइनस ये O वाला हटता है तो यहाँ आप माइनस लगा देंगे, ये आपका सीजियम आ गया। तो सीजियम हाइपोफॉस्फाइट क्या होगा, ये सीजियम हाइपोफॉस्फाइट,
अगला दे रहा है एन ए आई ओ थ्री, फिर वही बात है एन ए प्लस करेंगे आई ओ थ्री माइनस करेंगे। अब आप क्या करोगे, ये ऑक्सीएनायन है, मैंने कहा था ऑक्सीएनायन पर टिप्स एप्लीकेबल नहीं होती है, इसलिए इसमें एच लगाएंगे, एच लगाएंगे तो यहाँ आएगा एच आई ओ थ्री। अब आप एच आई ओ थ्री की बेसिसिटी बताओ कितनी है, वन, यहाँ एक ओ एच, बाकी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ेंगे, ये लोन पेयर आ गया एक, क्योंकि सात इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ से एक एच हट जाएगा तो माइनस आएगा एन एफ, ऐसे बना दिया करो, ये इंटरेक्शन आयनिक इंटरेक्शन को बताता है। अगला अमोनियम साइनेट, ये आयनिक है, अलग अलग करो इसको। अब नेगेटिव चार्ज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पर आएगा, ये तीन जुड़ जाएगा, लेकिन इसमें भी रेजोनेंस हो सकता है, लेकिन ज्यादा स्टेबल ये रहेगी क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज वही रखेगा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अच्छा, इसके अंदर खास बात है NH4+, तो आपको पता है NH4+ के अंदर क्या होगा, ये अपना लोन पेयर इसको दे रखा है, तो आपसे पूछेगा अमोनियम साइनेट, इसका नाम क्या है, अब आप दिक्कत नहीं लेंगे, टेंशन नहीं लेंगे कि सर आपको नाम याद है हमें कैसे पता चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सारे नाम अपने आप धीरे धीरे याद हो जाएंगे जब आप अगले साल आएंगे, ये तो मैं अगले साल वाले नाम भी यहीं बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर वाली डीपीपी अगले साल फिर एक बार आ सकती है, ठीक है, तो आप टेंशन बिल्कुल मत लेना। पहला इसमें बॉन्ड बताओ, फर्स्ट बॉन्ड का आयनिक है कि नहीं है, दूसरा कोवेलेंट है कि नहीं है, तीसरा कोऑर्डिनेट है कि नहीं है, चौथा पाई बॉन्ड है कि नहीं है, इतने सारे बॉन्ड है इसमें, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड भी है, पाई बॉन्ड भी है, आयनिक भी है, कोऑर्डिनेट भी है और कोवेलेंट भी, इस तरह से पूछेगा तो बता देंगे। अगर मैं यहां पर इसको हटा करके S लगा देता हूं तो आपको बताया ऑक्सीजन हटके सल्फर आता है तो थायो आ जाता है, इसका नाम हो जाएगा अमोनियम थायोसाइनेट, और थायोसाइनेट जो बनेगा उसमें सिर्फ क्या चेंज आएगा बताओ, ठीक है, थायोसाइनेट बन गया, थायोसाइनेट में भी सेम टाइप के बॉन्ड है, क्लियर, ऑक्सीजन हट करके मैंने कहा था सल्फर आता है तो थायो आता है, तो अमोनियम थायोसाइनेट हो गया, सारे बॉन्ड बोके हुई हैं। अगला देखो, H2S2O4, इसका नाम होता है डाई थायोनस एसिड, H2S2O4 का एक नाम क्या है, डाई थायोनस एसिड, डाई थायोनस एसिड, एक अपन ने पढ़ा था डाई थायोनिक एसिड, ये कौन सा है, डाई थायोनस, चलो बताओ सेंट्रल एटम मोर देन टू है क्या, नहीं टू है, इसमें टू है तो या तो SS लिंकेज आएगी या SOOS आएगी, अब बताओ SS आएगी तो ये लिख दिया, या SOOS आएगी बताओ, ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज में है तो SS आएगी, रेंज में है, बेसिसिटी कितनी है, दो दो लग दी, अब ऑक्सीजन कितने हैं, चार, सेटिस्फाइड, ये लोन किया, तो ये हो गया आपका डाइथायोनस एसिड। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ये एन ए प्लस आएगा, एच एस ओ थ्री माइनस, टिप्स आर नॉट अप्लीकेबल ऑक्सीएनायंस, इसको पहले एसिड में कन्वर्ट किया, इसकी बेसिसिटी पता है दो है, या दो ओ एच आ गया, यहाँ पर आपका ये आ गया, अब यहाँ से आपको क्या करना, एक हटाना है क्योंकि एक माइनस है,
तो ये नेगेटिव आ गया, ठीक है। अगला आ रहा है एच टू पीओ थ्री माइनस। एच टू पीओ थ्री माइनस की अगर हम बात करें और इसमें एसिड डाल दें तो इसका स्ट्रक्चर तो सिंपल है, एच प्लस ऐड कर दे क्या बन जाएगा, एच थ्री पीओ थ्री। तो एच थ्री पीओ थ्री से अगर आप रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पी आएगा, इसकी बेसिसिटी दो होती है, यहाँ एच यहाँ डबल बॉन्ड हो। अब यहां से आप एक माइनस हटाओ, ये आ जाएगा क्योंकि इसकी बेसिस थी वन थी, सॉरी टू थी, तो टू थी तो एक हट गया, यहां से एक आएगा ये। अगला देखो ट्राई थायोनेट आयन, ट्राई थायोनेट आयन है एस थ्री ओ सिक्स माइनस टू। अब याद है आपको अपने थायोनिक एसिड सीरीज पढ़ी थी, उसके अंदर क्या पढ़ा था, डाई थायोनिक एसिड, ट्राई थायोनिक एसिड, फिर हमने कहा था कि टिप्स आर नॉट एप्लीकेबल ऑन ऑक्सी एनायन। पता है क्यों कह रहे हैं हम बार बार ये, क्योंकि अगर आप इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाने की कोशिश करोगे तो आपको लगेगा मोर देन टू है, फिर आप बोलोगे कि सराउंडिंग एटम जो है वो शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन है, तो यहाँ ग्रेटर देन है तो आप बोलोगे साइक्लिक बनना चाहिए, लेकिन हमने कहा टिप्स है ही नहीं एप्लीकेबल इस पर। तो पहले तो यहाँ दो एच प्लस जोड़ो, दो एच प्लस जोड़ते क्या आएगा, ये एच टू एस थ्री ओ सिक्स, क्या आएगा ये एच टू एस थ्री ओ सिक्स, ये एच टू एस थ्री ओ सिक्स का अब बनाओ तो आपको पता है ट्राइथानिक एसिड बनाना था, आता ही था आपको, यहाँ एच आ जाएगा, यहाँ एच आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अब यहां से एच हटेगा, ये नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है क्लियर, ये स्ट्रक्चर हो गया ट्राइथायोनिक थायोनेट आयन। ट्राइथायोनेट आयन के बाद अगला आता है आपके थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड की बात करते हैं तो SOCl2 होता है, तो सेंट्रल एटम सल्फर आ गया, थायोनिल क्लोराइड की बात कर रहे तो ये आ गया सेंट्रल एटम सल्फर। अब क्या करें, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, ये Cl से जुड़ेगा, ये Cl से एक लोन किया, एक और होता है इसी का दोस्त सल्फ्यूरिल क्लोराइड, लिखा हुआ DPP में सल्फ्यूरिल क्लोराइड, ये डबल बॉन्ड, ये Cl, ये Cl एज इट इज, अब यहाँ एक डबल बॉन्ड और आ जाएगा, ये सल्फ्यूरिल क्लोराइड भी हो गया। फिर अगला दे रखा है फॉस्फोर पाइरोफॉस्फोरिक एसिड, पाइरोफॉस्फोरिक एसिड की बात कर रहे हैं H4P2O7, सेंट्रल एटम कितना है दो, सराउंडिंग क्या है ऑड में, पीओपी लिंकेज, इसकी बेसिसिटी चार ही होती है, बेसिसिटी जहां मैंने लिखवाई थी वो था H4P2O5, वो पाइरोफॉस्फोरस एसिड था जिसमें बेसिसिटी दो आती है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अगला अगर सिंगल फॉर्म में दिया है तो सिंगल फॉर्म वाला बनाएंगे, अगर होल एन करके देता तो फिर साइक्लिक बन जाता जो अपन ने साइक्लिक बनाया था, परोक्सी पाइरोफॉस्फोरिक एसिड H3PO5, इसमें आप देखोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट आउट ऑफ रेंज आ रही है,
आउट ऑफ रेंज जब भी आती है तो हमने कहा था ओ लिंकेज बनेगी, क्या बनेगी, ओ लिंकेज H3PO5। ठीक, अगला आ रहा है अमोनियम फॉस्फेट। अमोनियम फॉस्फेट, अब जो अमोनियम फॉस्फेट है वो देखो आप, सॉरी अमोनियम फॉस्फाइट लिखा है यहां। अब सबसे पहले अमोनियम फॉस्फाइट है तो अमोनियम तो लिख दो, फॉस्फाइट लिखा हुआ है, फॉस्फाइट तो यानी कि जितने भी हाइड्रोजन है सारे निकल गए उसके आयनाइजेबल, तो आयनाइजेबल हाइड्रोजन दो होते हैं इसमें H3PO3। आइट देखना है आपको, आइट किसके लिए आता है, अस एसिड के लिए, और अस एसिड कौन सा था इसका, H3PO3, तो H3PO3 अस एसिड था, और अगर ये अस एसिड था तो यहां से क्या निकल जाएंगे, तो एच, ये अमोनियम बन गया। तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका देखो, अमोनियम फॉस्फाइड। फिर बोल रहा हूं हाइड्रोजन नहीं आया यहां पर नाम में, अमोनियम हाइड्रोजन नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन इसलिए नहीं लिखते क्योंकि वो आयनाइजेबल नहीं है। दूसरा सवाल, डाई अमोनियम क्यों नहीं लिखा आपने सर, या डाउट आ रहा होगा आपको, तो फिर से बोलता हूँ, ये जो यहाँ होल करके लिखे होते हैं ना टू, ये चार्ज को बता रहे हैं कि इस पर -2 चार्ज है, इसलिए कभी भी उनका नाम नहीं आता है। ठीक है, जैसे H2SO4 है तो सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, डाई हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बोलते, इसका स्ट्रक्चर आप सबको बनाना आता है। टिप्स आर नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑक्सी एसिड, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, और NH4 प्लस का तो आता ही, ये बन गया। अगला सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, सोडियम तो लिखना आता ही है, हाइड्रोजन फॉस्फेट पहले तो H3PO4 आएगा, 8 लिख रहा है तो हाइड्रोजन फॉस्फेट बोल रहा है, यानी एक एच होना चाहिए, दो एच निकल गए क्योंकि इसकी बेसिस थी दो थी, स्ट्रक्चर अपने आप बन जाएगा हाइड्रोजन फॉस्फेट। अगला आ रहा है सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट, यहां पर है सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, यानी एक एच होना चाहिए, यहां कितना है दो, दो एच होना चाहिए, तो एक माइनस आएगा, एक एन ए प्लस आया, इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो तो बना था Na2HPO4 सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, और इसका क्या बना होगा Na H2PO4 सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट, इसका स्ट्रक्चर भी इसकी तरह बन जाएगा, एच दो आ जाएंगे वो एच, सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट हो गया। पोटेशियम बाइकार्बोनेट, अब यहां मैं सबका बता देता हूं आपको, सोडियम बाइकार्बोनेट का भी बता देता हूं, इसके अंदर क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, ये हम वैसे अगले साल पढ़ते, मैं अभी बता देता हूं, पर इसमें जो पाया जाता है वो एच बॉन्डिंग पाई जाती है,
इसको कहते हैं मैसिव एच बॉन्डिंग। मैसिव एच बॉन्डिंग को कहते हैं इनफाइनाइट एच बॉन्डिंग। मैसिव एच बॉन्डिंग को क्या कहते हैं? इनफाइनाइट एच बॉन्डिंग। ये कहलाती है आपकी कॉम्पैक्ट एच बॉन्डिंग। ये कॉम्पैक्ट एच बॉन्डिंग पाई जाती है पोटेशियम बाई कार्बोनेट, रुबिडियम बाई कार्बोनेट, और सीजियम बाई कार्बोनेट। ये पाई जाती है मैसिव एच बॉन्डिंग, इनफाइनाइट एच बॉन्डिंग। अब यहां पर देखो आप, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर भी आपको क्या दिखाई देगा, एच बॉन्डिंग, लेकिन ये एच बॉन्डिंग होगी इस बार आयन डाइपोल। यहां देखोगे तो भी आपको क्या दिख रही है, आयन और ये डाइपोल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक ही क्रिस्टल में इनफाइनाइट चलती रहती है, कंटिन्यूअसली चलती रहती है, इसलिए ये मैसिव कहलाती है, इनफाइनाइट एज बॉन्डिंग कहलाती है। और इसी वजह से जब इसे पानी में डालेंगे तो ये पानी में आसानी से सोल्यूबल नहीं होगा, ये पानी में आसानी से सोल्यूबल नहीं होता, इसलिए इसे स्पेरिंगली सोल्यूबल कहते हैं। स्पेरिंगली सोल्यूबल वो होते हैं जो पार्शल सोल्यूबल कहलाते हैं। ये सब अगले साल आएगा, प्लीज डोंट टेंशन मत लेना, प्लीज यार रिक्वेस्ट है। या तो स्ट्रक्चर बता दी मैंने, ये नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट ऐसे होता है और पोटेशियम रुबिडियम सीजियम बाइकार्बोनेट ऐसे होता है डाइमर की फॉर्म में। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों होता है, तो मैंने आपको बोला था कि मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिस्टलोग्राफी स्ट्रक्चर से निकाली जाती है, ठीक है, तो ये वही स्ट्रक्चर से। अगला कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड तो यहाँ प्लस टू आएगा, यहाँ टू माइनस टू आएगा। ये जेई मेंस में सवाल पूछा था, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, वन, पाई कितने हैं, टू। तो कैल्शियम कार्बाइड पे सिग्मा बॉन्ड वन, पाई बॉन्ड टू। फिर आ रहा है परोक्सी डाइफॉस्फोरिक एसिड। परोक्सी डाई फॉस्फोरिक एसिड, H4P2O8। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज निकालेंगे तो आउट ऑफ रेंज आएगा ये। H2N2O2 हाइपो नाइट्रस एसिड। ये मैंने एक बार पहले भी बताया था कि ये मोनोमर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, डाइमर फॉर्म में रहता है। इसकी दो स्ट्रक्चर होती है, सिस और ट्रांस। ये सिस और ये ट्रांस। ठीक है, अगला आ रहा है आपका ओलियम।
ओलियम याद होगा आपको, H2O7 ये क्या कहलाता है, ओलियम। अब इसका स्ट्रक्चर बनाओ। चलो ये मैंने क्लास में बनवाया था, वैसे ऑड नंबर में हो तो SOS, ये OH, ये OH, यहाँ पर आपका क्या आएगा, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ओलियम। मार्शल्स एसिड का भी स्ट्रक्चर बताया था मैंने, ये मार्शल एसिड का स्ट्रक्चर था, ये SOOS, OH, OH, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ये मार्शल एसिड था, ठीक है। अब ये मार्शल एसिड जो है उसका ये SOOS क्यों बना, रीजन बताओ। रीजन यही था कि हमने कहा था कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आउट ऑफ रेंज आती है तो फिर लिंकेज SOOS आती है, ठीक है। अब ये SOOS के बाद अगला जो आता है वो आता है कैरोज एसिड, ये भी आपको मैंने बता दिया था। इसके अंदर भी ऑक्सीडेशन स्टेट आउट ऑफ रेंज आई थी, आउट ऑफ रेंज आई थी तो SOOS लिंक, SOOH लिंकेज आएगी, क्लियर। तो ये आपका एक DPP समाप्त हुआ, बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।